हेलो दोस्तों, चैम्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। चैम्स एजुकेशन में आज हम सीखेंगे अबैकस लेवल टू क्लास वन। अबैकस लेवल टू क्लास वन, अबैकस लेवल टू क्लास वन में आज हम सीखेंगे एडिशन विद कैरी, स्मॉल फैमिली ऑफ फाइव। तो दोस्तों, अभी हमने सीखा इससे पहले अबैकस लेवल वन क्लास सिक्स तक हमने आपको वीडियोस बना के दी जिसमें आपने सीखा सिंपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आज हम सीखेंगे उससे आगे की, अबाकस को कैसे हम यूज करके एडिशन विद कैरी स्मॉल फैमिली में हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा वीडियो पहले भी देखा है, तो आपने अगर हमारे वीडियो को लाइक किया है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं या हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो आपसे एक गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए जिससे आपको हमारा नया वीडियो पहले मिल सके। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अपने बच्चों के साथ बैठकर या अपने घर में बैठकर आप अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं और आप भी सीख सकते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं एडिशन विद कैरी स्मॉल फैमिली ऑफ फाइव के साथ। होगा स्मॉल फैमिली का मेन मेंबर जो बड़ा मेंबर होता है वो होता है फाइव, तो फाइव की फैमिली इसीलिए हमने यहां पर लिया है। तो दोस्तों, आप सब जानते हैं फैमिली मेंबर्स में, फैमिली में और भी मेंबर्स होते हैं। तो अगर सबसे बड़ा मेंबर फाइव है तो उससे छोटे मेंबर्स की बात करते हैं। छोटे मेंबर्स होते हैं फोर, फाइव से छोटा मेंबर उसका फोर होगा। एंड आफ्टर दैट थ्री, थ्री उससे छोटा होगा टू एंड वन। तो फैमिली ऑफ फाइव में फाइव के फोर मेंबर्स होंगे जो कि फोर थ्री टू एंड वन होंगे। ओके सर, दोस्तों, तो फोर थ्री टू वन। अब हम जैसे देखते हैं कि अगर हमारी फैमिली में कुछ मेंबर्स हैं तो हमारे लिए कुछ उसके फ्रेंड्स भी होंगे, तो हम क्या करेंगे। अब आपको फ्रेंड्स के बारे में सीखना है। फ्रेंड्स, फोर का फ्रेंड्स, फोर का क्या फ्रेंड, कौन सा फ्रेंड होगा। यहां पर फोर का फ्रेंड ले लेंगे हम वन, फोर का फ्रेंड होगा वन। इसी तरीके से थ्री का जो फ्रेंड होगा वो होगा टू, टू का फ्रेंड होगा थ्री एंड वन का फ्रेंड होगा फोर। तो दोस्तों, ये आपको बहुत जरूरी है याद रखना कि हमारा एक फोर के साथ उसका एक फ्रेंड भी होगा। इसको हम फोर को वन इस तरह से याद कर सकते हैं कि फोर और वन फाइव होता है। ओके, तो फोर और वन फाइव होगा तो वो मैच हो जाएगा। इसी तरीके से थ्री के साथ टू होगा तो वो फाइव बन जाएगा और वो भी मैच हो जाएगा। इसी तरीके से टू एंड थ्री फाइव होता है एंड वन एंड फोर फाइव होता है, तो दोनों का टोटल जो है वो फाइव होना चाहिए। यही आपको याद रखने का सिंपल मेथड है। तो ये आपको, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम लेंगे, यहां पर लेते हैं कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कॉन्सेप्ट प्लस फोर। तो प्लस फोर का कॉन्सेप्ट आज हम सीखेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा प्लस फोर होगा। तो प्लस फोर का कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों, प्लस फोर प्लस फाइव माइनस वन। तो अभी ये कॉन्सेप्ट कैसे याद रख सकते हैं, इसका एक बहुत सिंपल मेथड है। जब कभी आपको किसी नंबर में प्लस फोर करना है, यानी फोर को ऐड करना है, तो हमने अभी आपको बताया कि ये फैमिली फाइव की है, ठीक है दोस्तों। तो हम एक स्टोरी याद रख सकते हैं कि अगर कोई भी मेंबर कहीं भी बाहर जाता है या जैसे पार्टी में जाता है, यानी कि मान लीजिए फैमिली मेंबर है, इसमें से पहला मेंबर कहीं बाहर जा रहा है, तो वो अपने बड़े मेंबर को साथ लेकर जाएगा। इसलिए इन दोनों का साइन हमेशा सेम होगा। जैसे कि ये प्लस फोर है तो इसके साथ प्लस फाइव हमेशा रहेगा। तो ये जो प्लस फाइव मेंबर है, जो बड़ा मेंबर है, ये सभी मेंबर्स के साथ हमेशा रहेगा। इसलिए हम प्लस फोर को प्लस फाइव के साथ हमेशा रखेंगे और दोनों का साइन सेम होगा। इसी तरीके से जब हम इन दोनों का साइन सेम कर देते हैं तो उसके फ्रेंड को हम उसमें से माइनस कर देते हैं। फ्रेंड का साइन हमेशा माइनस में रह जाएगा, यानी उल्टे साइन होंगे। अगर ये दोनों प्लस हैं तो फ्रेंड का जो साइन होगा वो माइनस में होगा। अगर आप देखिए इन दोनों को प्लस फाइव में से अगर हम वन माइनस कर दें तो फोर आ जाएगा, करेक्ट। तो ये बहुत इजी मेथड है आपको याद करने के लिए कि जो भी मेंबर होगा
और हम फैमिली की बात कर रहे हैं तो बड़ा फैमिली मेंबर उसके साथ रहना चाहिए, तो इसीलिए हम प्लस फोर के साथ प्लस फोर को प्लस फाइव को हमेशा रखेंगे और उसके फ्रेंड को हम हमेशा माइनस कर देंगे। तो अब हमारा कॉन्सेप्ट बन गया प्लस फोर प्लस फाइव माइनस वन। ओके, तो दोस्तों अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं प्लस फोर से रिलेटेड। तो प्लस फोर किस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन हम ले लेते हैं यहां पर। वैसे वन प्लस फोर, टू प्लस फोर, थ्री प्लस फोर, फोर प्लस फोर, ठीक है। ये फोर क्वेश्चंस हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम फोर ऐड कर सकते हैं अबैकस से। तो ये हमारा अबैकस है, आप जानते हैं कि हम बीच वाले नंबर को वंस स्टार्ट करते हैं और ये हमारा वैल्यू बार है, जब कोई नंबर इसके ऊपर टच करता है तो हम उसको वैल्यू काउंट करते हैं, ये हमने पहले भी सीखा है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है वन प्लस फोर, तो वन हमारे पास है तो वन बीट हम ऊपर कर देंगे, तो ये वन हम काउंट करेंगे। इसके बाद हमारे पास थ्री बीट्स हैं, अब हमें ऐड करना है फोर। फोर ऐड करने के लिए अब हमारे पास कॉन्सेप्ट हमें लगाना होगा हमारा। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, प्लस फोर। प्लस फोर ऐड करने के लिए हमें प्लस फाइव माइनस वन करना होगा, तो वही हम यहां पर कॉन्सेप्ट लगा देंगे। वो कॉन्सेप्ट कैसे लगाएंगे, ये हमारा प्लस फाइव है, प्लस फाइव हम ले आए, उसके बाद हमने उसके फ्रेंड को, फोर के फ्रेंड को हमने माइनस कर दिया, तो हमने यहां पर वन को माइनस कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया वन प्लस फोर फाइव। ये हमारे कुछ बेसिक क्वेश्चन है जहां से हम स्टार्ट करते हैं। आगे दोस्तों अगला नंबर ले लेते हैं, आगे का क्वेश्चन है टू प्लस फोर। तो टू प्लस फोर को कैसे ऐड कर सकते हैं, यहां से हम टू बिट्स को ऊपर कर देंगे, तो ये हमारा टू ऐड टू आ गया। अब इसमें फिर से हमें प्लस फोर ऐड करना है, अब हमारे पास टू बिट्स है तो फोर ऐड नहीं कर सकते डायरेक्टली हम, तो हमें अपना कॉन्सेप्ट लगाना होगा। कॉन्सेप्ट वही हमारा दोबारा से रिपीट करेंगे, प्लस फोर ऐड करने के लिए प्लस फाइव माइनस वन, तो हमारा आंसर आपको देख रहे हैं सिक्स आ गया है, तो हम यहां पर सिक्स लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं थ्री प्लस फोर। थ्री प्लस फोर के लिए हमें पहले इसको जीरो करना होगा, जीरो कर दिया हमने। अब हम सबसे पहले थ्री थ्री बिट्स ले लेंगे, तो थ्री के बाद हमें फिर से वही कॉन्सेप्ट लगाना होगा, तो कॉन्सेप्ट हमारा है प्लस फाइव माइनस वन, तो यहां पर प्लस फाइव माइनस वन कर देंगे, तो आप देख रहे हैं हमारा आंसर सेवन आ गया, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर प्लस फोर। फोर प्लस फोर के लिए फिर से वही हम जीरो करेंगे एंड फोर फोर बीट्स को सबसे पहले ऊपर कर देंगे, तो ये हमारा फोर हो गया, ठीक है। उसके बाद हमें फिर से प्लस फोर ऐड करना है, तो प्लस फोर के लिए हमें फिर से एक कॉन्सेप्ट लगाना होगा प्लस फाइव माइनस वन, तो आप देख रहे हैं हमारे अबैकस पे आंसर आ गया एट, ठीक है दोस्तों। तो ये है हमारा पहला कॉन्सेप्ट प्लस फोर प्लस फाइव माइनस वन, हम फोर कैसे ऐड कर सकते हैं छोटे नंबर में, किसी नंबर में भी हमें फोर ऐड करना है तो हम फोर कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके बाद कुछ क्वेश्चन आपके लिए और बनाते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम आपको और कराएंगे। उससे पहले हम इसी कॉन्सेप्ट को फिंगर से कैसे कर सकते हैं, तो अब हम फिंगर टेक्निक सीखते हैं, ठीक है दोस्तों। फिंगर टेक्निक सीखने के लिए वही हमारा वंस एंड टेंस, वंस हमारा राइट साइड पे होता है एंड टेंस लेफ्ट हैंड पे होता है। तो जैसे कि हमारा राइट साइड है ये, तो राइट साइड पे पहले हमने फर्स्ट नंबर ऐड करना है वन प्लस फोर, तो वही हम करेंगे वन 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 फिंगर आगे करेंगे एंड उसका अपना कॉन्सेप्ट लगाएंगे प्लस फाइव माइनस वन प्लस फाइव माइनस वन, तो हमारा आंसर आ गया फाइव। ओके, यही हमने यहां पर आंसर लिखा था फाइव। सेकेंड क्वेश्चन ले लेते हैं टू प्लस फोर, तो सबसे पहले टू फिंगर आप शो करेंगे देन उसके बाद फाइव प्लस फाइव माइनस वन, तो हमारा आंसर आ गया सिक्स, तो हमने सिक्स लिखा यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थ्री प्लस फोर, थ्री थ्री फिंगर के बाद हमें फोर एड फोर एड करना है प्लस फोर, तो वही कॉन्सेप्ट लगा देंगे प्लस फाइव माइनस वन, तो हमारा आंसर आ गया सेवन, ठीक है, सेवन हमने यहां लिखा है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है हमारा फोर प्लस फोर, तो अगला हमने लिया नंबर फोर एंड देन हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे प्लस फाइव माइनस वन, तो हमारा आंसर आ गया एट। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया एट। अब हम दोनों तरीकों से हमने सीख लिया कि अबैकस से और फिंगर टेक्निक से हम कैसे प्लस फोर यानी फोर को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं टू टू एंड फोर, तो टू टू फोर को कैसे ऐड करेंगे हम,
आइए अबेकस पर देखते हैं, टू देन टू 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 एंड देन फोर, तो फोर के लिए वही कॉन्सेप्ट हम यहां लगा देंगे, प्लस फाइव माइनस वन, तो हमारा आंसर आ जाएगा एट। ओके दोस्तों, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थ्री फोर एंड टू, तो पहले हम इसको जीरो कर देंगे, ठीक है, उसके बाद हम यहां पर ले लेते हैं थ्री, आफ्टर दैट फोर, तो फोर का कॉन्सेप्ट लगा देंगे, प्लस फाइव माइनस वन, तो सेवन हो जाएगा, फिर टू को टू ऐड कर देंगे तो हमारा नाइन आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक सीखना है, हमने बहुत अच्छे से सीख लिया है, और अब हम आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम, तो अबेकस को हम जीरो कर देंगे, टू फोर वन, तो टू के लिए टू बीट सुपर कर देंगे, फोर के लिए हम कॉन्सेप्ट लगा देंगे, प्लस फाइव माइनस वन, एंड आफ्टर दैट वन हम इसमें ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा सेवन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, वन फोर थ्री, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा सबसे पहले वन, ठीक है, फिर हम फोर ऐड करेंगे, प्लस फाइव माइनस वन, एंड आफ्टर दैट थ्री ले लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा एट। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, फोर फोर एंड वन, फोर को किस तरह ऐड कर सकते हैं, फोर फोर हम पहले फोर बीट्स हमारे पास हैं, तो फोर ऐड कर देंगे, उसका फिर फोर्थ कॉन्सेप्ट लगा देंगे, प्लस फाइव माइनस वन, एट हो जाएगा, एंड आफ्टर दैट वन, तो आंसर आ जाएगा हमारा नाइन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, वन थ्री एंड फोर, तो यहां पर वन, आफ्टर दैट थ्री एंड फोर, फोर के लिए फिर भी कॉन्सेप्ट लगा देंगे, प्लस फाइव माइनस वन, तो हमारा आंसर अगेन आ जाएगा एट। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आज आपने सीख लिए हैं, फोर कैसे हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है, प्लस फोर कॉन्सेप्ट आज हमने सीखा स्मॉल फैमिली में, फैमिली ऑफ फाइव, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए थोड़ा सा घर पे, और फिर हम आगे अगले कॉन्सेप्ट पर चलेंगे। हमारे यहाँ पर थ्री फोर हमारे टोटल मेंबर हैं, तो वही फोर कॉन्सेप्ट इस पूरे कॉन्सेप्ट में आएंगे, तो नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट करेंगे प्लस थ्री का, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम प्लस थ्री का कॉन्सेप्ट करेंगे, तो अब तक आप इसकी प्रैक्टिस करिए घर पर और देखिए आपने कितना सीखा है। ठीक है, तो अब हम आज के लिए इतना ही, हम कोशिश करेंगे कि हम अगली वीडियो जल्दी से जल्दी आपके सामने लाएं, और आपको हमारा वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।